हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशी और आज हम अबेकस के बारे में जानेंगे। और आप सब तो जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में सबसे पहले जो कैलकुलेटर था वो है ये, और इसको हम बोलेंगे अबेकस टूल। और हम अब इसके बारे में जानेंगे। इसे बोलते हैं, ये जो पूरा है ये हमारा फ्रेम है, और फिर उसके बाद ये जो है हमारा सेंटर बार, ये हमारा 100 प्लेस है, ये रहा 100 प्लेस, और ये हमारा 10th प्लेस है, इसे हम बोलेंगे 10th प्लेस। और ये जो है हमारी नीचे वाली बीट्स हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे लोअर बीट्स। लोअर बीट्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। जैसे यहाँ लिखा है लोअर बीट्स वैल्यू 1, मतलब इसको जो है हम एक एक गिनेंगे। और फिर हम आएंगे अपर बीट्स के पास। अपर बीट्स की वैल्यू 5 होती है। ये जो ऊपर वाली बीट्स हैं ये सारी 5 की वैल्यू होती है। और अब मैं आपको एक इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ लिखा है 2, तो हम इस पे 2 कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। पहले हम इसे जो है पूरे टूल को सेट कर लेंगे। और यहाँ लिखा है 2, तो हम इस पे बनाएंगे 1 2, फिर अगेन 2, इस पे लिखा है फिर से 2, तो हम फिर से 2 बनाएंगे 1 2, फिर उसके बाद करना है हमें +3, फिर हम +3 के लिए क्या करेंगे, इसमें -2 +5, ये हमारा हो गया +3, और फिर इस पे हमें प्लस करना है 5, तो +5 तो इसमें नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे -5 +10, और फिर उसके बाद दिखा है +1, हम +1 कर देंगे, देन -3, हम -3 कर देंगे इसमें, और फिर इसके बाद लिखा है +8, तो हम यहाँ पे +8 कर देंगे, और ये इसे हम पूरे को क्या पढ़ेंगे 18, ये हमारा आ गया है आंसर। और फिर हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें क्या है फिर से +6 करना है। इसमें पहले सबसे हम +6 कर लेंगे, फिर से हमें +6 करना है, तो वो तो नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे -5 +11, देन उसके बाद है -7। अब -7 तो इसमें डायरेक्ट नहीं होता। अब 10 में से हम -7 कर देंगे, कितना बचा 3 बचा, तो हम ये -10 कर देंगे। अब इसमें +3 करना है, +3 तो हो नहीं रहा है, अब हम -2 +5 कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आया है +3, तो हम यहाँ पर +3 कर देंगे, देन उसके बाद है +9 तो इसमें नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो अब हम क्या करेंगे -1 +10, हम 9 में 1 मिला देंगे तो 10 हो गया, देन उसके बाद है -8, अब 8 तो इसमें माइनस नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे -10 +2, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे कितना आया 2, और फिर उसके बाद लिखा है +2, अब हम +2 के लिए यहाँ डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, अब क्या करेंगे -8 +10, ये आ गया हमारा आंसर 11।